लाहौरी गेट थाना पुलिस ने चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं उसने टीवी पर प्रसारित क्राइम से संबंधित कार्यक्रम को देख करके पड़ोसी के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और पुलिस टीम ने आरोपी के पास से 2,15,000 रुपए नगद और गोल्ड चैन, सोने की बालियां व नोज रिंग के साथ मोबाइल फोन भी बरामद किया है और आरोपी को पुलिस ने वारदात के महज 12 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें उत्तरी जिले के DCP सागर सिंह कलसी ने इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ बताया है, सुने जरा। एक नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में लाहौरी गेट थाने में एक बर्गलरी का केस है जो कि 12 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने सॉल्व किया है। 18 तारीख को एक फहीमुद्दीन है, ये फराशखाना के गली समोसान के रहने वाले हैं लाहौरी गेट में। सुबह घर से जाते हैं काम पे, शाम को इनकी वाइफ भी 7 बजे के करीब घर से जाती हैं अपने जो मायके में, तो ये 8 बजे के करीब शाम को घर आते हैं तो देखते हैं कि इनके घर का लॉक टूटा हुआ है और अलमारी भी खुली हुई है और अलमारी में से तकरीबन 3 लाख रुपए का कैश, कुछ गोल्ड की ज्वेलरी है और एक मोबाइल फ़ोन है, ये सब गायब है। इतला पुलिस को दी, पुलिस ने जल्द से जल्द केस दर्ज करके टीमें बनाई और साथ ही हमारा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो कि CCTV फुटेज वगैरह उसका और साथ में जो मुखबरों के थ्रू तफ्तीश चलाई। हमने एक रिकॉर्ड टाइम में एक लड़का जिसका नाम मोहम्मद जायद है इसको पकड़ा और पूरी की पूरी जो भी चोरी का सामान था ये रिकवर किया है। इसमें कैश 2.25 लाख हैं, गोल्ड चेन है, एक गोल्ड ईयर रिंग है, एक गोल्ड रिंग और है और एक जो मोबाइल फ़ोन है रेडमी का, ये बरामद किया गया है। दौरान तफ्तीश उसने बताया कि वो जो लड़का है उसकी शादी अभी अगले महीने वैलेंटाइंस डे पे उसने करी थी लेकिन उसके पास पैसे की कमी थी, मायूस था, दुखी था, तो उसने टीवी पे एक उसको आइडिया एक टीवी में सावधान इंडिया में शो में बर्गलरी में देखा उसने चाबी कैसे कहीं से कलेक्ट करके और जो मास्टर की के थ्रू एंटर करते हैं, चोरी करते हैं, उसने ये घटना घड़ी लेकिन वो उसकी जो अंजाम नहीं हो पाया और पकड़ा गया वो। इस पर आगे तफ्तीश जारी है कि इसने पहले भी अगर कोई इस तरीके की वारदात करी है तो वो देख रहे हैं। दिल्ली से अतीक मलिक की रिपोर्ट।